हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 8th of January 2020। तो 8 जनवरी 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द टेम्स पोर्टल, दे कैन जॉइन इट फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट। टेम्स पोर्टल में हम रेगुलरली PIB, हिंदू एक्सप्रेस, योजना कुरुक्षेत्र और कुछ फैक्ट्स हमेशा अपलोड करते रहते हैं। सो यू कैन जॉइन अस देयर एज वेल। आंसर राइटिंग इज़ अ फ्री इनिशिएटिव जिसमें आप आंसर रोज लिख सकते हैं, उसमें आप हर कोई उसमें एक्सेस कर सकता है, उसको आंसर लिख सकता है। तो वो भी अगर आप करना चाहें तो आप ज़रूर करिएगा, दैट इज़ फ्रॉम आर साइड। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी लिंक वहाँ पर दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में, तो आप उसको ज़रूर एक बार देख लें, है ना। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़ एनालिसिस। बिफोर वी स्टार्ट, क्वेश्चंस फॉर टुडे, आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, अब आपको वेक्टर दिया है, डिसीज दिया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट इज एनोफिलीज मॉस्किटो, सामने डिसीज लिखी है जैपनीज इंसेफेलाइटिस। सेकेंड लिखा है सैंड फ्लाइज, आगे डिसीज लिखी है कालाजार। थर्ड एडीज मॉस्किटो और आगे डिसीज लिखी है रिफ्ट वैली फीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, ऑप्शंस आर वन ओनली, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, या वन टू एंड थ्री। क्वेश्चन नंबर टू इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। ओके, तो KMY के बारे में बताना है आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एडमिनिस्टर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकंड, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द पेंशन फंड मैनेजर फॉर द स्कीम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेंशन पे आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, या नन। क्वेश्चन नंबर थ्री इज निष्ठा रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर इनकरेजिंग इकोनॉमिकली वीकर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स टू परस्यू टेक्निकल एजुकेशन एट डिप्लोमा एंड डिग्री लेवल। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। अ रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर न्यू स्टार्टअप्स रिलेटेड टू ग्रीन प्रोजेक्ट्स। अ मोबाइल एप्लीकेशन विच सर्व्स एज अ सिंगल विंडो फॉर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पैसेंजर एमिनिटीज अवेलेबल एट रेलवे स्टेशन। तो दीज आर द थ्री क्वेश्चन फॉर यू टूडे, प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इनका आंसर जरूर करिएगा आप लोग, है ना। हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स to 10 मिनट्स, अगर आप सर्च भी करके आंसर करते हो तो हार्डली आपको 5 से 10 मिनट लगेगा, तो वो उतना काम आप कर सकते हैं, दैट विल बी योर टास्क। ओके, सो प्लीज डू दैट। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स स्लोअर GDP ग्रोथ, पहली जो न्यूज़ है वो है गवर्नमेंट इज प्रोजेक्टिंग स्लोअर GDP ग्रोथ। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली एडवांस एस्टिमेट्स निकाले हैं गवर्नमेंट ने, एडवांस्ड एस्टिमेट्स निकाले हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि जो GDP ग्रोथ रहेगी लगभग 5% की रहेगी। तो GDP एस्टिमेट उन्होंने पहले जो किया था 19-20 में वो था 6.8% का, तो GDP की ग्रोथ उन्होंने पहले कितनी बताई थी 6.8% की, बट नाउ दे आर पैकिंग द ग्रोथ एट 5%। तो स्लोअर एस्टिमेट आया है GDP का एज पर द गवर्नमेंट एस्टिमेट, ये गवर्नमेंट का ही एस्टिमेट है, याद रखिएगा। एंड इट इज द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट रिलीज्ड बाय स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इस मिनिस्ट्री ने निकाला है। तो अगर आपको पूछ ले कभी कोई कि GDP के जो एडवांस एस्टिमेट्स है वो कौन निकालता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, तो ये आपको याद रखना है मिनिस्ट्री का नाम। दिस एस्टिमेट इज इन लाइन विद द प्रोजेक्शन मेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये प्रोजेक्शन लाइन में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 5% के आसपास की ग्रोथ बताई थी। ओके, एंड दे हैव ऑल्सो रिड्यूस द ग्रोथ फ्रॉम 6.1%, पहले उन्होंने 6.1% की प्रोजेक्ट की थी, गवर्नमेंट ने खुद 6.8% की प्रोजेक्ट की थी। ओके, बेसिकली है क्या, एज पर द रिसेंट डेटा द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 2% एज कम्पेयर टू द रोबस्ट ग्रोथ ऑफ 6.9% इन 2018-19। तो 18-19 में अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ देखें तो वो 6.9% की थी, बस इस बार की जो ग्रोथ रहेगी वो लगभग 2% की रहेगी। ओके, एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी लगभग 3.2% की थी एंड इस रहेगी, और पिछली बार अगर देखा जाए तो 8.7% की थी। तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी। तो आपको अगर दो स्पेशली अगर आंसर राइटिंग में आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा क्या रीजंस रहे हैं फॉर द स्लो डाउन एंड ऑल, तो वहां पर आप जरूर इन मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का मेंशन करिएगा। और मैन्युफैक्चरिंग में एक रीजन ये भी है कि डिमांड जो रही है वो बहुत कम रही है, तो डिमांड जब भी कम रहती है, मैंने आपको कई बार बताया कि डिमांड अगर कम रहेगी, इफ डिमांड विल डिक्रीज देन ऑटोमेटिकली योर प्रोडक्शन विल डिक्रीज, क्योंकि आप लोग प्रोड्यूस किसके लिए करेंगे, अगर आप डिमांड ही नहीं करोगे तो फिर प्रोडक्शन किसके लिए होगा, है ना। तो बेसिकली दिस इज द रियल प्रॉब्लम। आगे इसमें लिखा है कि व्हाट इज GDP, GDP होती क्या है, कि GDP इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग वन ईयर। ओके, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक साल का टाइम लिया और उसके अंदर या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर
कंट्री की बाउंड्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, कंट्री की बाउंड्री इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल सपोज जैसे देखो इस तरह से अपना इंडिया रहता है, ठीक है, इस तरह से अपना इंडिया यहाँ पे है, ओके। अब इस इंडिया की बाउंड्री है, ये पूरी पूरी इंडिया की बाउंड्री है ना, ये पूरी बाउंड्री इंडिया की है। तो इस पूरी बाउंड्री में कितना प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, कितना प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, ये काउंट किया जाएगा। अब इसके अंदर अमेरिकन ही प्रोड्यूस कर रहे होंगे, इसके अंदर कुछ कंपनी में कोई कंपनी न्यूजीलैंड की भी होगी, लेकिन अगर वो बाउंड्री के अंदर का प्रोडक्शन है तो उसकी कॉस्ट जीडीपी में जुड़ेगी। ये याद रखेगा कि अगर ये बाउंड्री के अंदर, हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो देन दैट विल बी काउंटेड इन योर जीडीपी, वो जीडीपी में काउंट जरूर होगी। सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। तो कोई भी चीज जो हमारी बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस होगी, उस फाइनल गुड एंड सर्विस, फाइनल गुड एंड सर्विस, उसकी कॉस्ट जो है वो जीडीपी में जुड़ेगी, ओके। कैलेंडर ईयर जो है इंडिया में वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का रहता है, एंड देर आर डिफरेंट यूजेस टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको पर एनम की परसेंटेज चेंज देख ले, तो आपको कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ पता चल जाएगी कि ग्रोथ कितनी हुई है ना, ग्रोथ कितनी हुई, फाइनल वैल्यू इन गुड्स एंड सर्विसेज में कितना इंक्रीज देखने को मिला। लेकिन ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा कि ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, जीडीपी इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। इससे आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में नहीं पता चलेगा। हो सकता है किसी कंट्री की जीडीपी बहुत ज्यादा दिखे, किसी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा दिखे, बट हो सकता है वहां पे केवल एक या दो लोग ही ग्रो किए हों, बहुत लोग ना ग्रो किए हों, इनइक्वालिटीज ज्यादा हों। तो इनइक्वालिटी कितनी है कंट्री में, कितना कितने लोग पुअर हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग भूख से मर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको जीडीपी से नहीं पता चलता है। देयरफॉर इट्स अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, नॉट अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अमूमन IMF और वर्ल्ड बैंक यूज करते हैं टू एनालाइज देयर मेंबर नेशंस, अपने मेंबर नेशंस को एनालाइज करने के लिए IMF एंड WB यूज करते हैं, क्योंकि उनको क्वांटिटी से मतलब है, क्वालिटी से मतलब नहीं है, है ना, याद रखिएगा। अब दो चीज़ें होती हैं जीडीपी के, दो टाइप है मेन, एक है आपका नॉमिनल जीडीपी, दूसरा है रियल जीडीपी। देखो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट करंट प्राइसेस, करंट प्राइसेस, ओके। सिंपल सी बात है, जैसे कि आज आज जो डेट है वो 8 जनवरी, फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 8th जनवरी, आज बिस्किट का प्राइस एक होगा 4 रुपए का होगा, या नमकीन का होगा 20 रुपए का, ऐसा कुछ कुछ प्राइस होगा। तो जो रिटेल प्राइस लिखा हुआ है इनका, आज का प्राइस है, वो करंट प्राइस है। अब क्या होता है, कंट्री में एक बेस ईयर भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2011-12 जो है ये बेस ईयर माना जाता है। उस साल इनका प्राइस क्या था, उस साल हो सकता है इनका प्राइस 3 रुपए रहा हो और 20 की जगह उसका प्राइस 15 रुपए ही रहा, 16 रुपए ही रहा हो, तो वो कहलाते हैं बेस प्राइसेस या कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है ना। तो याद रखेगा जो बेस ईयर रहता है उस साल की जो प्राइसेस होती हैं वो कांस्टेंट प्राइसेस होती हैं या बेस प्राइस होती है, और अभी की जो प्रेजेंट प्राइस होती है वो करंट प्राइस कहलाती है। तो अगर आप जीडीपी करंट प्राइस पे निकालेंगे, मतलब आज की आज के दामों में उनका टोटल वैल्यू निकालेंगे, तो वो कहलाएगा नॉमिनल जीडीपी, और अगर आप पुरानी यानी कि कांस्टेंट प्राइसेस पे आप उनकी वैल्यू निकालेंगे तो वो कहलाएगा आपका रियल जीडीपी। बेसिकली रियल जीडीपी है कि आप आपने इन्फ्लेशन के लिए उसको एडजस्ट कर लिया, मतलब इन्फ्लेशन से जब आप एडजस्ट कर लेते हैं तो वो कहलाता है क्या, तो वो कहलाता है आपका रियल जीडीपी। इसीलिए रियल जीडीपी इक्वल्स टू होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स, यानी कि इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये याद रखिएगा, ओके। ये होता है एक तरह से, इसको डिफ्लेटर भी बोलते हैं, हमारी इकोनॉमी में इसको डिफ्लेटर भी कहा जाता है। तो डिफ्लेटर इक्वल्स टू क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ये भी याद रखिएगा, ओके। तो यहां से आपको पता चलेगा कि कितना आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के लिए, इन्फ्लेशन इंडेक्स के लिए कितना चेंज हुआ है, ओके। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो करंट प्राइसेस पे होता है, और जो आपका रियल जीडीपी होता है वो हमेशा आपका कॉन्स्टेंट प्राइजेस पे होता है, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट था, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। ग्रीन ट्रिब्यूनल सीक्स रिपोर्ट ऑन सीवेज ओवरफ्लोइंग ऑन नेशनल हाईवे 19। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि नेशनल हाईवे 19 ओवरफ्लो कर रहा है, वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे हैं, एंड देयरफॉर द सीवेज इज ओवरफ्लोइंग ऑन द हाईवे। अब यही जो रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मांगा है, ओके, कि दिल्ली आगरा हाईवे पे क्यों भैया इतना सीवेज ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा है और क्यों इस तरह से हो रहा है, ओके। तो ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो बना था वो NGT एक्ट 2010 के थ्रू बना था, ओके, 2010 में बना था। बेसिकली प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 21 के अंदर बोला जाता है कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट भी लोगों को मिला है, ओके। उसको पूरा करने के लिए ये NGT बनाया गया था 2010 में।
ट्रिब्यूनल को इसलिए बनाया गया कि ताकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। इसीलिए जो ट्रिब्यूनल के पास टाइम रहता है किसी भी केस को सॉल्व करने का, अपील को सॉल्व करने का या डिस्पोजल ऑफ अपील्स को सॉल्व करने का, वो 6 महीने का रहता है। ओके, 6 महीने के अंदर उनको सॉल्व करना पड़ता है। चेयरमैन जो होता है ट्रिब्यूनल का, ही मस्ट बी अ सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट और जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट और जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। The tribunal should not be bound, is not bound by the procedure laid under the Code of Civil Procedure 1908. याद रखेगा, ये tribunal जो होता है ये Code of Civil Procedure 1908 से bounded नहीं रहता है, लेकिन principles of natural justice को follow करता है, ये भी important है। New Delhi जो principal place है इसके sitting का, and tribunal के अलग अलग branches भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई में भी है, ये भी याद रखेगा। Present जो NGT chairperson है वो आदर्श कुमार गोयल है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि दो acts के cases को ये नहीं सुनता है, एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा है आपका फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, तो 27 और 72 इनके केसेस के नहीं सुनता है। एक और फैक्ट मैंने आपको बताया था कि एनजीटी जो है वो इंडिया में पहली बार नहीं आया, पहली बार ये आया ऑस्ट्रेलिया में, फिर आया ये न्यूजीलैंड में, एंड इंडिया में इंडिया तीसरी ऐसी कंट्री है जहां पर ये आया। तो पहले ऑस्ट्रेलिया, देन न्यूजीलैंड, देन आपका इंडिया। इंडिया इज द थर्ड कंट्री टू हैव एनजीटी लाइक मैकेनिज्म, ये आपको बता दिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। जीनोम ऑफ इंडियन कोबरा हैज बीन सीक्वेंस्ड। ओके, जीनोम ऑफ इंडियन कोबरा सीक्वेंस्ड। सो अ कंसोर्टियम ऑफ साइंटिस्ट इंक्लूडिंग सम फ्रॉम इंडिया हैव मैप्ड द जीनोम ऑफ इंडियन कोबरा अमंग द मोस्ट पॉइजनस, हु इज अमंग द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स इन द कंट्री। ओके, तो इंडिया का एक स्नेक वेराइटी है इंडियन कोबरा, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स इन द कंट्री। इसके जीनोम को सीक्वेंसिंग किया गया। ओके, अब क्या होगा बेसिकली, है क्या, इससे क्या फायदा होता है? तो अगर आपको जीनोम सीक्वेंसिंग यानी कि इसकी जो अंदर की वर्किंग है वो समझ में आ गई, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द वेनम, जो इसका पॉइजन होता है, वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स है, तो इसके पॉइजन का कुछ तो कंपोजिशन होता होगा, है ना, तो वो कंपोजिशन कंस्टिट्यूएंट पता चल जाता है। ओके, तो इससे क्या होगा, जब आपको वेनम पता चल गया तो आपको एंटी वेनम बनाने में इजीली आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको जहर पता चल गया कि किस चीज़ का है, तो आप उसका जो काटने वाली चीज़ है उसको एंटी, उसको न्यूट्रलाइज करने की चीज़ आप आराम से बना सकते हो। ओके, अभी ये प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल था जब तक ये जीनोम नहीं सीक्वेंसिंग हुई थी, बट नाउ दे आर एबल टू फाइंड द एंटी वेनम फॉर दिस। ओके, हो सकता है इसमें इसके एंटी वेनम को बनाने में मदद हो जाए, है ना। एवरी ईयर अप्रॉक्सिमेटली 5 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर बिटन बाई वेनमस स्नेक्स, रिजल्टिंग इन अबाउट 4 लाख एम्पुटेशंस एंड मोर देन 1 लाख डेथ्स। तो लगभग वर्ल्ड वाइड अगर देखो तो 4 लाख से ज़्यादा लोग मतलब डिसेबल्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस पॉइजनस स्नेक। ना केवल ये बल्कि बाकी सारे पॉइजनस स्नेक्स को मिला लो तो और 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है। सो इतना ज़्यादा रेट ऑफ वेनमस स्नेक्स का है कि वो इफेक्ट करते हैं कि उनका जो ये जीनोम जो सीक्वेंसिंग है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, साइंस के माध्यम से, हम चाहें तो उनका एंटी वेनम सिंथेटिकली डेवलप कर सकते हैं और हो सकता है हम उनको प्रोटेक्ट कर लें, उन लोगों को बचा सकें, है ना। इंडिया इज स्नेक बाइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया को स्नेक बाइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इंडियन कोबरा के बारे में बात करें तो इंडियन कोबरा जो इसका साइंटिफिक नेम है नाजा, ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पेक्टेकल्ड कोबरा, इसको स्पेक्टेकल्ड कोबरा भी कहा जाता है। ओके, इसको याद रखेगा। एंड इसकी एक वेराइटी है बाइनोसेलाटा कोबरा और एशियन कोबरा, बाइनोसेलाटा कोबरा या एशियन कोबरा बोला जाता है, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान में पता मिलता है। एंड ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो सबसे अधिक लॉस यही लोग करते हैं। इट इज़ नाउ प्रोटेक्टेड इन इंडिया अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये सेव भी किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, आगे की तरफ मूव होते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। व्हाट हैपेंड इन जेएनयू इज अपालिंग, सेज अमर्त्य सेन। तो अब जेएनयू का केस आपको पता ही होगा, जेएनयू में जिन लोगों ने मारा, अंदर घुस के पीटा, सब कुछ किया, उनके ऊपर कोई केस नहीं फाइल हुआ, पर जिसको मारा उसके ऊपर जरूर केसेस फाइल हो गए हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन द जेएनयू एपिसोड। नाउ इट इज़ यू टू डिसाइड कि बिल्कुल सही हुआ कि गलत हुआ। कुछ बहुत सारे समझदार लोगों के कमेंट भी मैंने कल पढ़े, है ना, तो ऐसी समझदारी मत दिखाइए, अच्छी बात नहीं है। सो
What happened in Genu is appalling, says Amarth Sen. Amarth Sen ka kya kehna hai, dekh lete hain. Amarth Sen is an Indian economist and philosopher who since 1972 has taught and worked in the United Kingdom and United States. Okay, तो यहाँ आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो contribution है basically Amarth Sen का, वो एक आपको बता देता हूँ कि इन्होंने महबूबुल हक के साथ मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी डेवलप किया था, है ना। कई लोगों को नहीं पता होगा कि महबूबुल हक हैज़ बीन, ये महबूबुल हक जो है वो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं, महबूबुल हक, उन्होंने ही डेवलप किया है द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट महबूबुल हक ने डिस्कवर किया था। Amarth Sen वॉज वर्किंग विद हिम, Amarth Sen उनके साथ आ गए थे, इसलिए अभी जब नाम लिया जाता है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, तो इन दोनों का ही नाम लिया जाता है। देन ही वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में उनको नोबल प्राइज मिल चुका है, ओके। एंड इंडिया का भारत रत्न भी उनको मिल चुका है फॉर हिज वर्क इन द वेलफेयर इकोनॉमिक्स, फॉर हिज वर्क इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। एंड मेन चीज़ याद रखिएगा कि नोबल प्राइज उनको मिला है, नोबल प्राइज बहुत कम ऐसे इंडियन इकोनॉमिस्ट जिनको मिला है, याद रखिए, ये बात है। तो ये सारे फैक्ट्स ज़रूर याद रखिएगा, ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच यू शुड रिमेंबर, ओके। तो याद रखने वाली बात है ये। इसके अलावा बात करते हैं द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द सेवन मेन कंट्रीब्यूशंस ऑफ Amarth Sen टू इकोनॉमिक्स। ये मेन कंट्रीब्यूशंस है Amarth Sen के, द कंट्रीब्यूशंस आर पॉवर्टी एंड फेमाइन, इन्होंने इसके बारे में बताया। देन व्हाट इज पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी का कंसेप्ट उन्होंने दिया है, द कंसेप्ट ऑफ कैपेबिलिटी उन्होंने दी है, इंटाइटलमेंट का कंसेप्ट उन्होंने दिया है, चॉइस ऑफ टेक्निक उन्होंने बताई है, द टाइम सीरीज क्राइटेरियन उन्होंने बताया है, एंड कुछ और इकोनॉमिक आइडियाज हैं जो कि Amarth Sen ने दिए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, और Amarth Sen एक काफ़ी रिनाउंड है, काफ़ी इंटेलिजेंट है ना। सेलिब्रेटेड पेंटर एंड आर्टिस्ट अकबर पद्मसी हैज पास्ड अवे, तो याद रखेगा अकबर पद्मसी ही हैज पास्ड अवे, एंड याद रखेगा कि ये किस फील्ड में थे, ही वाज नोटेड पेंटर एंड आर्टिस्ट, ओके, ही वाज अ नोटेड पेंटर एंड आर्टिस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ही वाज अ पेंटर एंड आर्टिस्ट, तो अगर हो सकता है पूछा जाए तो याद रखेगा ये, एंड ही हैज पास्ड अवे। आर्मी गेट्स वर्किंग ऑन गोको मॉडल टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, तो आर्मी ने बेसिकली, आर्मी हैज स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल इंडस्ट्री पार्टनर्स टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल। इसको गोको मॉडल जो है ना, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर मॉडल। तो अगर आपसे कोई पूछे गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड क्या है, तो बेसिकली जो आर्मी की वर्कशॉप्स हैं, ऑर्डिनेंस प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए उन्होंने ये चीज़ डिवाइस की है, ओके। उन्होंने सोचा है कि अब इस मॉडल के थ्रू वो अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, क्या होती हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे बेसिकली आर्मी के लिए ये बनते हैं, आपके हथियार बनते हैं, सारी चीज़ें बनती हैं ना, तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंडिया, ये मध्य प्रदेश में जबलपुर में आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। तो अब ये गोको नाम से ही क्लियर आपका कि इट विल बी गवर्नमेंट, तो नाम से क्लियर क्या है कि इट इज़ गवर्नमेंट ओन्ड, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड रहेगा और कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड रहेगा। आपको एक कॉन्ट्रैक्टर करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट करेगा, बट इट विल गवर्नमेंट ओन्ड, बेसिकली यही मॉडल है, गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड। इससे क्या होगा कि एफिशिएंसी जो है सिस्टम की वो इम्प्रूव होगी, दिस विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, इसीलिए इसको हाई ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड किया जाएगा, ओके। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली चीज़ याद रखिएगा कि ये जो गोको मॉडल है, इट वॉज ऑन द रिकमेंडेड ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकातकर, ओके। तो डीबी शेकातकर कमेटी थी, उसने ये रिकमेंडेशन दिया था दैट टू इनहेंस द कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड रीबैलेंस द डिफेंस एक्सपेंडिचर। उनकी ये कमेटी थी इनहेंसिंग द कॉम्बैट कैपेबिलिटीज एंड रीबैलेंसिंग द डिफेंस एक्सपेंडिचर, उन्होंने दिया था ये गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल के बारे में बोला था कि ये आपको अप्लाई करना चाहिए आर्मी में भी। तो नाउ आर्मी इज ऑल्सो इंप्लीमेंटिंग दिस ऑन द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड ऑल, ओके। तो याद रखिएगा ये। आगे बात करते हैं एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। सबसे पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है रिट्राइविंग आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशन, ओके। रिट्राइविंग द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशन। अब यहाँ पे बेसिकली बात यही चल रही है कि इंडिया एज अ डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड और नॉट फेल्ड, और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, क्या आज क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, या पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया एम्ब्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड हेल्ड पीरियोडिक इलेक्शंस अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। व्हाई द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशन इज बीइंग डिस्कस्ड, क्यों आज हम आइडिया ऑफ नेशन
डेमोक्रेसी डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले सर्टेन मेजर्स दैट द करंट गवर्नमेंट हैज इम्प्रेस्ड इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेक्टिट्यूड हैव रीओपन्ड न्यू फिजर्स. अब ऑथर का कहना है कि जो करंट गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जिसने कि ये डिबेट ओपन कर दिया है डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का. ये सारे डिबेट्स जो हैं फिर से ओपन हो गए हैं. ओके, एंड यहाँ पे बेसिकली थोड़ा पॉलिटिकल ऑथर जो हैं थोड़ा पॉलिटिकल चले गए हैं फॉर भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के अपोज में चले गए हैं. ओके, सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि हमको पॉलिटिकल किसी व्यू पॉइंट से मतलब नहीं है, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट हमको डिस्कस नहीं करने हैं. लेकिन हाँ, ही हैज़ बीन क्रिटिकल ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑन द इशू ऑफ CAA, जो CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको लेकर के उन्होंने ज़रूर गवर्नमेंट को अपोज किया है, दैट दिस टाइप ऑफ नोशंस जो है एक जो कंट्री में इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी. आपको पता होना चाहिए था कि पहले जो आपकी प्रायोरिटी है वो इकोनॉमिक्स होना चाहिए था, पहले पुअर मैंस इकोनॉमिक्स आपको सुधारनी चाहिए थी, जो लोगों के पास खाना नहीं है, यूथ के पास जॉब नहीं है. आप यूथ को जॉब ना देकर के उनको दूसरे फालतू वाले मुद्दे दे रहे हो जिसमें वो भटक रहे हैं, जिसके कारण वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, स्ट्रीट्स पर आ गए हैं. तो जहां आपको जॉब्स की बात करनी चाहिए थी, एजुकेशन की बात करनी चाहिए थी, उनको आगे बढ़ावा देना चाहिए था, वहीं आप उल्टे ऐसे मुद्दे ला रहे हो जहां पे ना वो पढ़ाई कर रहे हैं, ना आप कुछ दूसरे कामों में इन्वेस्ट कर पा रहे हो अपना टाइम, आप उनको शांत करने में लगे हो और वो आपसे लड़ रहे हैं, है ना. तो इस तरह की चीजों को आपको नहीं लाना चाहिए था. CAA calls into question the foundation of citizenship in India. Basically, citizenship in India जो का उसका जो foundation है उसको ही question कर देता है CAA, and the role and place of majority in a political democracy. तो वही वाली बात है कि एक तरीके से majoritarian या populist एक तरीके से viewpoint है ये जो CAA है, ये एक populist या majoritarian viewpoint है, क्योंकि आपको पता है कि इस country में 80% जो population है वो एक particular region follow करती है ना. तो ये सारी चीज़ें author ने बोली है यहाँ पे. एंड इतना अपोज हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, इतना ज़्यादा अपोज हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, इतना ज़्यादा आपने देख लिया है, फिर भी आप इस चीज़ को अप्लाई किए जा रहे हो. एंड देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड फीलिंग दैट CAA हैज़ वॉटर्ड डाउन द ऑटोनॉमी दैट दे सॉट फॉर देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड लैंड राइट्स एंड वर फोर्सफुली वॉइस्ड बिफोर द बोडोलाई कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में याद रखिएगा बोडोलाई कमेटी भी थी, अगर आपने पढ़ा हो अच्छे से तो बोडोलाई कमेटी भी थी. तो ये भी याद रखिएगा बोडोलाई कमेटी अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन में थी, तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के लिए एक कमेटी बनाई गई थी. ओके, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के लिए, तो याद रखिएगा. And the large scale participation of Muslim in this upsurge demonstrate that they do not want to be kept out to be treated as equal citizens. तो जो Muslims participate करें because they also want to be treated as an equal citizen, not the second class citizen. Okay. There is a design flaw with this military post. अब यहाँ पे बात की जा रही है CDS यानी कि Chief of Defence Staff की post का, कि क्या क्या, पहले तो हम देख लेते हैं क्या है CDS और आगे हम देखेंगे क्या क्या उसके डिफरेंट क्या क्या इसके प्रॉब्लम्स हैं इस पोस्ट के साथ. पहली जो है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को हेड करेगा CDS, ये आपको सबको पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को हेड करेगा, 4-star जनरल की पोस्ट होगी, जनरल विपिन रावत हमारे पहले CDS बने हैं. ओके, आर्म्ड फोर्सेज, इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बेसिकली तीन मेन फोर्सेज हैं आर्म्ड फोर्सेज के अंदर, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. ओके, याद रखिएगा इसका एक कंबाइंड डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया है, जिसको हेड कौन करेगा, जिसको हेड करेगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. ये वाली बात आपको याद रखनी चाहिए. अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहेगा, ही विल बी हेडिंग दिस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड ऑल्सो ही विल बी द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी. तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, उसका परमानेंट चेयरमैन भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही बन गया है. ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन रहेगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. He will also act as the principal military advisor to the रक्षा मंत्री, यानी डिफेंस मिनिस्टर का principal military advisor की तरह वो काम करेगा. लेकिन जो तीन चीफ बाकी के हैं, they will exclusively meet defense minister on the matters concerning to their respective services. अब आर्मी का जो चीफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, वो अलग से अपने आर्मी की बातें लेके जा सकते हैं, है ना, लेकिन जो ज्वाइंट चीजें हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के थ्रू जाएंगी. Now what are the problems with the post? सबसे पहली बात कि ये जो पोस्ट है CDS, इसके अंदर की पोस्ट लग रही है, जैसे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ एयरफोर्स है, चीफ ऑफ नेवी है, ये सब बेचारे इनके अंदर यानी कि CDS के अंदर यानी कि सबऑर्डिनेशन में दिख रहे हैं. सो दैट शुड नॉट हैव हैपेंड. क्यों? क्योंकि वो अपनी अपनी अलग अलग फोर्सेस के लिए खुद जिम्मेदार है ना, वो अपनी अपनी फोर्सेस के हेड है. तो एक तरीके से ये सबऑर्डिनेशन जो है, हो सकता है ये कंफ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट कर दे, ये सबऑर्डिनेशन जो है ये हो सकता है कंफ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट कर दे. तो बाकी लोगों को ये लगे ना कि हम इनसे सबऑर्डिनेट हैं, हम इनसे नीचे क्यों रहे, जब हम इंडिविजुअली अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, तो हम क्यों इस तरीके से इनके अंडर में जाएं. तो दैट सबऑर्डिनेशन इज क्रिएटेड इन दिस थिंग. ओके, ये याद रखिएगा.
जबकि अभी तक वो भी थियोरेटिकली तो वो भी एक ही पोस्ट में थे, ये तो नई पोस्ट बना दी गई है. ओके, दिस पोस्ट विल आउटरैंक द अदर चीफ्स, है ना, ये फोर स्टार जनरल की पोस्ट है तो इट विल आउटरैंक द अदर चीफ्स. ये बिल्कुल कुछ करने की बात ही नहीं कि वो इक्वालिटी वाली बात नहीं रहेगी यहाँ पे. अगला जो इशू है इस पोस्ट के साथ वो है कि दिस विल क्रिएट अनदर लेयर. ओके, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स अगर आपने बना दिया तो बेसिकली एक तरीके से एक और लेयर क्रिएट हो गई बीच में, तो जो डिसीजन मेकिंग है वो और स्लो हो जाएगी. अगर आपने एक और लेयर बना दी तो एक भाई आप पहले डायरेक्टली दो टीयर में काम चलता था, तो एक ने सजेस्ट किया अगले ने डिसाइड किया, अब क्या एक सजेस्ट करेगा अगले को, अगला सजेस्ट करेगा अगले को, है ना. तो बेसिकली ये एक लेयर जब क्रिएट होती है तो डिसीजन मेकिंग जो होती है वो स्लो हो जाती है. तो डिसीजंस आर रूटेड थ्रू नाउ दिस थिंग, ये रूट बड़ा हो जाएगा. देन इरोजन ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी, तो अगर आप देखो तो इट इज़ मोस्ट प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि ये जो चीज़ है अगर आप आर्मी और मिलिट्री के इस्टेब्लिशमेंट और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हो कंट्री में, और ज़्यादा आर्मी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिविलियन सुप्रीमेसी है वो डिक्रीज हो रही है. ओके, सिविलियन सुप्रीमेसी अगर डिक्रीज होगी सो दैट हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर डेमोक्रेसी. बहुत सारी कंट्रीज ऐसी रही जहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर आर्मी और उनको दी गई, बाद में उनका नतीजा अच्छा नहीं निकला. सो बेसिकली दैट इज द थर्ड इशू विच ऑथर हैज डिस्कस्ड. ओके, ये सी चीजें हैं. ओके, आगे डिस्कस करते हैं और क्या एडिटोरियल्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं. अमिस्ट अ ट्रेजेडी एंड अपॉर्चुनिटी, अब बेसिकली यहाँ पर है बुश फायर ऑस्ट्रेलिया का, तो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ कल. यस्टरडे आई वाज सीइंग द वीडियोस ऑफ ऑस्ट्रेलिया वाइल्ड फायर एंड इट वाज वेरी ट्रेजिक, लिटरली वेरी ट्रेजिक. नियरली 12 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड नेटिव फ्लोरा has been destroyed and it has killed thousands of wild animals including endangered species displacing residents and tourists. तो इस endangered species तो ख़त्म हुई ही हुई हैं, साथ ही बहुत सारे लोग हैं जो कि displaced हुए हैं, residents has been displaced, tourism decrease हो गया है. So basically these are the issues which are there in Australia and Australia today is ground zero for the climatic catastrophe. आपने देखा होगा कि Great Barrier Reef जो थी वो भी destroy हो गई है because of the temperature increase, है ना. फिर उसके बाद ने देखा फॉरेस्ट किस तरीके से इतने ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स हुए वहां पे, एंड न्यूमरस टाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया हैव रन आउट ऑफ वाटर. बहुत सारे टाउन्स हैं जिसमें पानी की कमी है. तो बहुत सारा इशू है जो एनवायरमेंटल रिलेटेड इशूज आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा. नाउ व्हाट अपॉर्चुनिटी की बात क्या की इंडिया यहां पे ऑथर ने, उन्होंने ये बोला कि बेसिकली दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू कोऑपरेट विद ऑस्ट्रेलिया. इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के साथ, एंड बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पे हम कोऑपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पहला जो फील्ड है फॉसिल फ्यूल के मामले में उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, एक एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम उनके साथ डायलॉग कर सकते हैं. ओके, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ की हम बात कर सकते हैं, कोल टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़ की बात कर सकते हैं. बोथ कंट्रीज मस्ट साइमल्टेनियसली स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस. ओके, तो हम दोनों कंट्रीज़ को इंटरनेशनल सोलर अलायंस को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए. फिर वाटर मैनेजमेंट की हम बात कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है, तो वाटर मैनेजमेंट की हम बात कर सकते हैं. उसके साथ साथ वी कैन हेल्प ईच अदर इन साइबर सिक्योरिटी. ओके, काउंटर टेररिज्म, इन सब मामले में भी हम उनकी मदद कर सकते हैं. ओके, एंड जो स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये हम बढ़ा सकते हैं. एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ हमको और ज़्यादा मतलब कोऑपरेशन ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए. एंड कल्चर्स अलग हैं, डिफरेंट जगहें पर हैं, लेकिन हम अगर चाहें तो एक होके काम कर सकते हैं. देर आर मल्टीपल फील्ड्स वेयर वी कैन वर्क टुगेदर, बहुत सारी फील्ड्स हैं और हमको वो चीज़ करनी चाहिए एंड हमको फुल उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए. अगला जो आर्टिकल है वो है रोड टू रेडिकलाइजेशन. ओके, यहाँ बेसिकली ये दिखाया कि व्हाट इज़ द कॉमन मॉडल ऑफ रेडिकलाइजेशन, कैसे कोई रेडिकलाइज होता है व्यक्ति. ओके, तो रेडिकलाइजेशन के चार स्टेप ऑथर ने बताए. पहला है प्री रेडिकलाइजेशन स्टेज. प्री रेडिकलाइजेशन, तो एज्यूम एन इंडिविजुअल टू बी ब्लैंक स्लेट एट बेस्ट और एन ईगर रिसेप्टर एट वर्स्ट. तो जब कोई व्यक्ति ब्लैंक स्लेट हो, मतलब कुछ भी लेने के लिए तैयार हो, तो वो प्री रेडिकलाइजेशन स्टेज होती है. Then self-identification, where he or she realizes the uniqueness of his or her ability. Then comes the stage of indoctrination. इंडॉक्ट्रिनेशन में आपको एक बेसिक आइडियोलॉजी बताई जाती है, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें थी, ऐसी ऐसी हो गई हैं, अब हमको ऐसा सुधारना है इसको. ओके, एंड देन फाइनल स्टेज जो होती है वो जिहादाइजेशन होता है. तो जिहाद वाला जो स्टेज है वो चौथा स्टेज है. सेल्फ आइडेंटिफिकेशन दूसरा है, तीसरा है इंडॉक्ट्रिनेशन, मतलब आपको एक आइडियोलॉजी दी जाएगी, एंड उसके बाद चौथा स्टेज है जिहादाइजेशन. ओके, ऑथर हाईलाइट्स दैट वी शुड नॉट कंसिडर रेडिकलाइजेशन एज अ लीनियर प्रोसेस वेर एन इंडिविजुअल गोज थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस. लेकिन ये लीनियर नहीं है.
ओके. ऑथर हाईलाइट्स दैट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ अटैक्स हैव बीन कैरिड आउट बाय सेकंड जनरेशन और लेटर जनरेशन ऑफ इमिग्रेंट्स. ओके, बहुत सारे ऐसे अटैक्स हैं जो कि सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन ऑफ इमिग्रेंट्स ने अटैक किए हैं. ओके, सो ये भी एक बात है जो देखने को मिली है. ऑथर ने बेसिकली कंक्लूड ये किया कि वायलेंस को कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इफ इट इज डन विदाउट ड्यू थॉट और डिलिजेंस इट कुड एंड अप हार्मिंग द अफेक्टेड स्टेट और कम्युनिटी एंड लीड टू वास्टली डिफरेंट पॉलिसी इनिशिएटिव. तो आपको वायलेंस जब आप कैटेगराइज करें तो आप ये भी देखें कि क्या इसके रीजंस थे और ज्यादा उसमें थॉट प्रोसेस इंक्लूड करें. नो सोसाइटी कैन बेनिफिट बाय ओवर सिंप्लीफाइंग द फैक्टर्स दैट पुश एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स वायलेंस. ओवर सिंप्लीफिकेशन विल मीन दैट वी विल बी लेफ्ट विद पुअर पॉलिसीज. तो हमको रेडिकलाइजेशन का प्रॉपर सोचना चाहिए, वायलेंस के बारे में प्रॉपर सोचना चाहिए. ओवर सिंप्लीफाई अगर हम कर देंगे तो सही आप पॉलिसीज कभी नहीं बना पाएंगे. वी विल नॉट बी एबल टू फॉर्म द राइट पॉलिसीज. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं यहां पे. बेसिकली वो आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था. जर्मनी नेटो मूव आउट सोल्जर्स. अब बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की बात है. जर्मनी मूव्ड 35 सोल्जर्स सर्विंग इन इराक टू नेबरिंग जॉर्डन एंड कुवैत ऑन ट्यूजडे. तो जर्मनी ने अपने सोल्जर्स जो 35 सोल्जर्स काम कर रहे थे उनको इराक से बाहर कर लिया और कुवैत और जॉर्डन भेज दिया. नेटो सेट इट वॉज ऑल्सो शिफ्टिंग सम ऑफ इट्स ट्रूप आउट ऑफ द कंट्री. तो नेटो ने भी बोला कि भैया हम कर रहे हैं बाहर. ओके, 120 सोल्जर्स थे जर्मनी के, उसमें से 35 उन्होंने बाहर कर लिए. नेटो हैज़ अराउंड 500 ट्रूप्स इन इराक. 500 ट्रूप्स हैं मोस्टली कनाडा, स्पेन एंड टर्की के, एंड हु आर हेल्पिंग टू ट्रेन एंड बिल्ड इराक सिक्योरिटी. वो ट्रेन कर रहे हैं इराक की सिक्योरिटी को और इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे आई होप वो भी बाहर जाएंगे. नेटो की बात करें तो नेटो इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस. कब बना था? 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 से बना था. हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में. 1949 बना था, याद रखेगा. इसके ऑब्जेक्टिव है पोलिटिकल, मिलिट्री एंड क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन. तो बेसिकली पोलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, है ना. डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इनेबल करना, मेंबर्स में कंसल्ट करना, कोऑपरेट करना, डिफेंस सिक्योरिटी को मेंटेन करना. दैन मिलिट्री भी है कि अगर आपने किसी एक नेटो नेशन पे अटैक किया तो सारे नेटो नेशंस आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपको पीटेंगे, है ना. ऑस्ट्रियाज कुर्ज रिटर्न एज वर्ल्ड्स यंगेस्ट गवर्नमेंट हेड. तो सेबेस्टियन कुर्ज जो हैं ही हैज़ रिटर्न एज ऑस्ट्रियाज, मतलब ऑस्ट्रिया में ये वर्ल्ड्स यंगेस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर बन गए. वर्ल्ड्स यंगेस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा. तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड्स यंगेस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर कौन है तो वो सेबेस्टियन कुर्ज है. एंड एक क्वेश्चन आपसे पूछना था कि वर्ल्ड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, वर्ल्ड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बना है. ओके, सो ये आपको क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है किस कंट्री से है. सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन विच आई वॉन्टेड टू आस्क यू. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है. इंडिया मस्ट क्रिएट 70 मिलियन जॉब्स टू अचीव अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024. अब आप सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है कि इंडिया को 2024-25 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना. ओके, 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है. उसके लिए बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो ग्रोथ होनी चाहिए हर साल वो 7-8% की होनी चाहिए. प्रोडक्टिविटी ग्रोथ मस्ट बी 7-8%, ये पहली चीज़. दूसरी चीज़, इंडिया मस्ट क्रिएट नियरली 70 मिलियन जॉब्स मस्ट बी क्रिएटेड इफ इंडिया रियली वांट्स टू अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ $5 ट्रिलियन. ओके, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर डिस्कस की गई. सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक आवर वीडियो. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब. दैट इज इट फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.